नमस्कार बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, डिटरमिनेंट का चैप्टर चल रहा है और डिटरमिनेंट का बहुत ही इजी टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन किया था। लास्ट क्लास में मुझे पता है कि आप लोग तक वीडियो पहुंचाने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था, क्योंकि इसमें नेट का इशू आया था और प्लस मेरे लैपटॉप पे भी थोड़ी सी खराबी आ गई थी। अब उसको रिजॉल्व करा दिया गया है। आज आपको राइट टाइम 7 बजे आपकी क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कई बार अलग अलग टाइप से एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने जाऊंगा वो मैं बताने जाऊंगा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, इसमें भी आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है। और आपसे बोला गया है कि भाई ए बी सी की वैल्यू निकालिए, ए बी सी की वैल्यू निकाल सॉरी 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 गलत बोल दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। 2 अपॉन में x, 3 अपॉन में y, प्लस 10 अपॉन में z इज इक्वल टू 4। फिर अगला दिया हुआ है 4 अपॉन में x माइनस 6 अपॉन में y, 4 अपॉन में x माइनस 6 अपॉन में y प्लस प्लस 5 अपॉन में z इज इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन दी गई है 6 अपॉन में x प्लस 9 अपॉन में y माइनस 20 अपॉन में z बराबर 2। आपसे कहा गया है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया है उसको आपने देखा होगा कि कितने डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व कराया गया था। कैसे? बस डिफरेंट क्या था उसमें, एक नई चीज थी कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, जैसे डिटरमिनेंट निकाला, फिर आपने कोफैक्टर निकाला, फिर आपने उसमें एडजॉइंट निकाला, फिर इनवर्स निकाला, और उसके बाद जाके आपने उसे सॉल्व करके उसके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। एक स्टेप आगे बढ़े थे, बाकी सब कुछ सेम था जो हमने पीछे किए था। अब इसमें भी वही करना है, बस फर्क इतना है बच्चों, बस फर्क इतना है कि इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा? इसमें हमें ना बच्चों लेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे जरा देखेंगे जरा ध्यान से। तो बच्चों, इसमें जो आप लेट करेंगे वो करेंगे क्या, 1 बाय x इज इक्वल टू ए ले लीजिए, 1 बाय y इज इक्वल टू बी, और 1 बाय z इज इक्वल टू सी। ठीक है? ठीक। इससे समस्या क्या नहीं रहेंगी कि भाई हमें फ्रैक्शन वैल्यूज को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, जैसे ये बन गया, पहले वाला क्या बनेगा, 2a, दूसरा 2b, तीसरा 10c इज इक्वल टू 4। अच्छा, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना 1 बाय x का 2a कैसे, जैसे 2 अपॉन में x है तो क्या मैं इसको 2 * 1 बाय x तो लिख ही सकता हूँ, और 1 बाय x की वैल्यू कितनी है, a। तो इस तरीके से बनाइए। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगले वाला बनेगा 4a 3b सॉरी 6b 5c इज इक्वल टू 1, और ये क्या बनेगा, 6a 9b 20c इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। और आपको अच्छे से पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप यहां पे लिखोगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, जहां पे ए कितना है बच्चों, ए है आपका 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20। ठीक है, और आपका भाई एक्स कितना है, एक्स है आपका ए बी सी, अभी तो फिलहाल के लिए यही है, और बी कितना है आपका, 4 1 2।
आपको अच्छे से पता है अब क्या करना है। क्या करना है बच्चों? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकाल के क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की b से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो ए बी सी की होगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ए बी सी की होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें ए बी सी थोड़ी निकालना है, हमें तो x y z निकालना है। तो जब आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, ठीक है, आपके मैं लेट करके चलता हूं, मान लेता हूं मैं कि मान लो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, ये 1/2 आ गई, इसकी 1/3 आ गई, और मान लो सी की वैल्यू 1/4 आ गई, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो x a किसके बराबर है? 1/x के बराबर 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। b किसके बराबर है? 1/y के, तो 1/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। c किसके बराबर है? 1/z के, 1/4 आ गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस तरीके से करना है आपको, समझ गए? मतलब a b c की जब आप वैल्यू निकाल लोगे ना, तो बस a b और c की जगह पे 1/x, 1/y, 1/z पुट करके, उसे रेसिप्रोकल करके, जैसे भी करके आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को? तो अगर ये हिंट नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और इसको नोट कीजिए, और फिर मैं आपको शुरू करवाता हूं, ठीक है। चलिए, वीडियो पॉज करने के बाद आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है, इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब जो मैं आगे कराने जा रहा हूं उसको देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा अलग भी है। क्यों अलग है? क्योंकि बच्चों, आपको जो रूल सिखाए जाते हैं, अगर वो रूल आप पहचान गए तो आपके लिए क्वेश्चन बच्चों का खेल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको रूल पहचानना होगा, और वो रूल कौन सा रूल है, तो जरा मैं आपको याद दिला दूं। ये रूल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। रूल कुछ इस प्रकार था बच्चों, रूल कुछ इस प्रकार था बच्चों, याद होगा आपको, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? बी के बराबर होगा। क्या याद है आपको ये? याद है आपको कि ए बी का मल्टीपल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो जो ए का इनवर्स होगा वो मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। ये रूल मैंने आपको मैट्रिसेस की क्लास में के स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था। बस अब उस रूल को अप्लाई करना है और एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर, ये है प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां तक ये सारे क्वेश्चन तो पता चल गए होंगे, ये रूल तो याद आ गया होगा कि ए बी अगर आई के बराबर है तो ए इनवर्स बी के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन दिया बच्चों ये, यूज प्रोडक्ट 112 023 324 मल्टीप्लाई में 201 923 612 टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें ये, आपको बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया है वो ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि भाई मुझे ये सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कि क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों मुझे एक सिंपल सी बात यहां पर बता देना,
पहले देख लो, नाउ इसको देख लो, इसका मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स पहले बना लो ध्यान से, ठीक है, तसल्ली से पहले बना लो। इसको क्या बनाएंगे, 1 माइनस 1 2, इसका क्या बनेगा 0 2 माइनस 3, और ये क्या बनेगा 3 माइनस 2 4, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ठीक। अच्छा उसके बाद पहले, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे एक लाइन लिखना भूल गया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए आ गया, ठीक, एक्स एक्स क्या होगा बोलो जल्दी, एक्स क्या होगा, एक्स होगा आपका वन सॉरी एक्स वाई जेड। और बच्चों एक काम करना, यहां बी की जगह ना आप बी की जगह पे क्या ले लेना, सी ले लेना, बी की जगह पे क्या ले लेना, सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सी क्या लिया, 1 1 2, ठीक है। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले मैट्रिक्स को, ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या ये बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है, जरा ध्यान से देखना, 1 1 2 1 1 2, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ एरर है बच्चों, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में गलत है बच्चों, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, सभी की बुक में मिस प्रिंट है, ये सही कर लेना, यहां माइनस है, ठीक है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, प्रिंट में ठीक कर लेना, बाद में कहीं गलतियां हो जाए, ठीक है, और भी जगह है गलतियां, वो सही करवा देता हूं बच्चों, गलतियां सही कर लेना, यहां पे भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ठीक है, गलतियां सही कर लेना बच्चों, वरना बाद में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, यहां पे भी गलती, तो ये माइनस की गलतियां थी वो सही कर लेना, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, तो क्या है बच्चों, देखो 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4, तो क्या ये मैट्रिक्स बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल है, तो क्या मैं इसे भी ए बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना बिल्कुल। अब अगर ये ए है तो ये बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि हमने तो इसको सी माना है। तो चलिए नाउ बाय यूजिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, उसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि इसका प्रोडक्ट यूज करो, क्या यूज करो, इसका प्रोडक्ट यूज करो और फिर सॉल्व करो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो बच्चों a इंटू बी, ठीक है, a माना हमने इसको और b माना हमने साइड वाले को, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करो पहले नोट कर लो आप इसको, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट, क्योंकि फिर मैं मल्टीप्लाई बिल्कुल शुरू से कराऊंगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा इधर करने में, हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, बाद में उसमें से मैं अपने फोन में से देख के कर लूंगा, है ना। चलो हमें तो इसका प्रोडक्ट करना है, ये भी उतार लिया होगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट, ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट करते हैं भाई फटाफट। तो ए बी प्रोडक्ट 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, ठीक है, -2 0 1, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस 2, प्रोडक्ट करना है ना, कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को -2 से -2, -1 को 9 से -9, 2 को 6 से 12, यहां तक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -2 +2, चलो अगला थर्ड कॉलम से 1 प्लस का 3 माइनस का 4, ठीक है, हो गया। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 उसके बाद 18 उसके बाद माइनस का 18, ठीक है, चलो उसके बाद 0 2 का 4 माइनस का 3, ठीक है, फिर 0 माइनस का 6 प्लस का 6, ठीक है, फिर माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 18 और ये 24, 0 माइनस का 4 प्लस का 4, उसके बाद 3 प्लस का 6 माइनस का 8, ठीक है, सॉल्व करो बच्चों इसको। हाँ बच्चों 9 और 2 11, 11 में से 12 गया तो 1 प्लस का 1, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है, ये तो हो गया 0,
तीन और एक चार, ये भी हो गया जीरो, अठारह में अठारह गया ये भी जीरो, चार में तीन गया एक, छः में छः गया जीरो, चौबीस और ये चौबीस ये भी जीरो, चार में चार गया जीरो, छः तीन नौ में था आठ गया एक। लो जी, तो ए बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। सही बात है, ए बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। और हमने क्या सीखा है कि अगर ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, हेंस तो हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी के होगा। ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी के। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, ए, इस मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, बी। मतलब ए तो ये है और बी ये है, और बी किसके बराबर आ चुका है, ए इनवर्स के। मतलब जो बी है वही ए इनवर्स है, जो बी है वही ए इनवर्स है। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हुई, ए इनवर्स की वैल्यू ये हुई। यहां तक बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो यानी ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के, यानी जो बी मैट्रिक्स है वही आपका ए इनवर्स है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सो द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर। हाँ जी, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है किसका, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे लिखा गया था, ए एक्स इज इक्वल टू सी। सही बात है, क्या लिखा गया था, ए एक्स इज इक्वल टू सी। और बच्चों मुझे इतना पता है कि जब जब ए को उठा के उस तरफ लेके जाया जाएगा तो क्या बनेगा, ए इनवर्स सी, हाँ कि ना, ए इनवर्स सी। अच्छा, एक्स कितना है, एक्स तो भैया एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स है आपका बी, ए इनवर्स कितना है आपका बी, यानी ए इनवर्स की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दो, करो माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू, और सी की वैल्यू कितनी थी, वन वन टू थी शायद, है ना, एक मिनट देख लेता हूं मैं, हाँ कितनी थी, वन वन टू थी, ठीक है, वन वन टू, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू को जीरो टू, नाइन से करेंगे नाइन टू माइनस सिक्स सिक्स वन माइनस फोर। हाँ जी, तो चलिए जरा देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई, इसकी आई जीरो, इसकी आई, हाँ भाई, नौ और दो ग्यारह में छः गए पाँच, छः और एक सात में चार गया तीन, तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू पाँच, जेड की वैल्यू थ्री। देखो जरा नोटिस करो कि यही वैल्यू है, हाँ जी यही वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू पाँच और जेड की वैल्यू थ्री, ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना सा करना था, तो समझ में आई बात, कैसे करना है बच्चों, फिर से देख लो, आपके पास ये दिया गया है, आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ना वो आपके उस दिए हुए इक्वेशन से मैच कर रहा होगा, तो मैच कर गया, उसको आपने ए मान लिया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए इसको माना, एक्स उसको माना एक्स वाई जेड को, और सी किसको माना आपने, आपने सी किसको माना, आपने सी माना उसे, क्या जो इक्वल, जो इक्वेशन के इक्वल में था, ठीक है। फिर आपने इसका मल्टीपल करके देखा, मल्टीपल करके देखा तो आपने क्या देखा कि जो ए बी का मल्टीपल है वो आई के बराबर है, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको पता ही है ए इनवर्स किसके बराबर होता है, बी के। तो बस बात खत्म, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू सी, ए को उठा के उधर ले जाओ, ए इनवर्स सी, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, ए इनवर्स किसके बराबर आया, बी के, तो बस ए इनवर्स की जगह पे क्या रख दो, बी रख दो, और फिर अपना जो भी सी है मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तैयार। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ सभी को, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है, वो मैं आपको एमएल अग्रवाल में से सेंड कर दूंगा पिक लेके, ठीक है। अच्छा, फिलहाल एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए और फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप एक क्वेश्चन और देखिए,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है ये। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 29। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, फटाफट एग्जाम्पल नंबर 29 निकाल लेंगे अपने फोन में या बुक में, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 29 जो है ना बच्चों, है मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है और इसको समझ के आपको मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको मैट्रिक्स बना के दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको सिखाया जा चुका है। चलिए तो जरा देखेंगे, देखिए क्या लिखा है। लिखा है द सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स। सबसे पहले लेट द थ्री नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। ये हमने लेट कर लिया। अब जो जो वो बोले वो करो। कह रहा है तीन नंबरों का जो सम है वो सिक्स है। चलो जी ठीक है। अब कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री एंड एड विद सेकेंड नंबर। लो जी, यानी सेकेंड नंबर को ऐड करना है थर्ड नंबर से, लेकिन थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से। तो कह रहा है इसका सम 11 आता है। इसका सम कितना आता है, 11 आता है। उसके बाद कह रहा है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। मतलब जब फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड करते हो, फर्स्ट को और थर्ड को जब आप ऐड करते हो तो सेकंड के डबल के बराबर आता है, सेकंड के डबल के बराबर आता है। तो बताइए मैट्रिक्स मेथड से इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब ये इक्वल टू 2y है तो ये प्लस का 2y हुआ, और जब इधर आएगा तो क्या वो ऐसा नहीं दिखेगा, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर जीरो, ऐसा दिखेगा कि नहीं। अरे आप ही देखो ना, x प्लस जेड बराबर 2y है, और जब ये 2y इधर आएगा तो ये ऐसा होगा कि नहीं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। तो वही चीज मैंने यहां पर आपको लिख के दिखाया है। तो आपके पास देख सकते हो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए कितना बना आपका 1 1 1 0 1 3, ठीक है, 1 माइनस 2 1, ठीक। एक्स पता ही होगा आपको कितना है, एक्स वाई जेड, और बी कितना है आपका भाई 6 11 0। बस सॉल्व करो और आंसर निकालो एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत। इसी तरीके का वर्ड प्रॉब्लम बच्चों एक आपके एनसीईआरटी 4.6 में भी है, तो उसे भी खत्म कीजिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसी चीजों को यहां पर कर लिया है खत्म, पूरी तरीके से ओवर कर लिया है, ठीक है। अब इसमें और कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा, तो मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। लेकिन बच्चों मंगलवार की जो क्लास होने वाली है ना, उसे मिस मत करना। एक भी बच्चा उसे लगातार देखते चलना, हर एक बच्चा देखते चलना। रीजन, क्योंकि बच्चों मैं मंगलवार को प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करवाऊंगा, और याद रखना फोर्थ चैप्टर के अंदर जो एक डिफिकल्ट अगर एक्सरसाइज बोला जाए तो वो प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन तब तक डिफिकल्ट है जब तक बच्चे ने सीखा नहीं है। एक बार अगर उस पर आपकी कमांड आ गई तो बच्चों वो आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा और आपके लिए बहुत ही इजी होगा। लेकिन बच्चों उसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस में अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस कम से कम डेली 3 से 4 5, यानी मान के चलो 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको करके चलना है, ठीक है। आप 5 क्वेश्चन भी अगर करते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो आप 4.2 से प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन यह है शुरुआत में आपको कम से कम डेली 30 40 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद भले ही आप डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, कि चल भाई मेरे मतलब कमांड में है ये, इसको प्रैक्टिस की तरह लेके चलो, ताकि बच्चों किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, और इसको यहीं खत्म करके अब मैं प्रॉपर्टीज शुरू करवाऊंगा। लेकिन मंगलवार का इंतजार करना पड़ेगा, और मंगलवार और गुरुवार 2 से 3 क्लासें मैं आपको प्रॉपर्टीज की दूंगा, और जिसमें आपको एमएल अग्रवाल के भी और एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कीजिए, और होमवर्क मुझे जल्द से जल्द भेजिए।